हमारे पास हम HTML में आज पढ़ेंगे टेबल चैप्टर नंबर 6। कोई बताना चाहे कि टेबल क्या होते हैं या टेबल क्यों यूज करने चाहिए? एनीवन? ओके। और किसी ने डेटा एंट्री की जॉब करी है? डेटा एंट्री। अच्छा, कोई मेरी स्क्रीन सबको शो हो रही है? सही है, आप फोकस रखना जरा। सैलरी शीट इन एक्सेल इमेजेस, ठीक है। ठीक है, ये आपके पास शीट एक तस्वीर शो हो रही है सैलरी शीट के नाम की, ठीक है। ये वाली चीज, ऐसा कोई भी टाइप का डेटा लाइक सैलरी शीट हो गई, एम्प्लॉय शीट हो गई, या फिर आपके पास जो है कोई ऐसा टेबल का फॉर्म, ऐसा कोई डेटा हो गया जो मल्टीपल रॉज एंड मल्टीपल कॉलम्स। रॉज एंड कॉलम्स क्या होते हैं? जो आपके पास ये वाला डेटा है, ये आपको दिख रहा है, सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, ये आपकी क्या कहलाएंगी? रॉ कॉलम्स, सही है। और आपके पास जो इस तरह का एरिया है 1 2 3, वो वाला रॉज, ठीक है। ये आपके रॉज और कॉलम्स में कोई डेटा जब आपको बनाना हो, सही है, उसके लिए आप यूज करते हो टेबल, ठीक है। लाइक इस तरह का अगर कोई डेटा अगर आपने बनाना है तो आप यूज करोगे टेबल, ठीक है। तो हम आते हैं टेबल पर और देखते हैं कि ये क्या कह रहा है, ठीक है। हाउ टू क्रिएट टेबल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, टेबल कैसे क्रिएट होता है, सही है। व्हाट इंफॉर्मेशन सूट टेबल्स, इस बात का क्या मतलब है? व्हाट इंफॉर्मेशन सूट टेबल, यानी कि कौन सी इंफॉर्मेशन टेबल के लिए जरूरी है, यानी टेबल के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन सूट करती है। जैसे कि मैंने अभी बताया, जब डेटा आपके पास रॉज एंड कॉलम्स टाइप का हो तो उसके लिए क्या सूट करेगा? टेबल, ठीक है। अच्छा, हाउ टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स डेटा इन टेबल, यानी कि कॉम्प्लेक्स डेटा से मतलब बड़ा सारा टेबल हो, सही है, मल्टीपल रोज हो, मल्टीपल कॉलम्स हो, मतलब 100 100, 200 200, तो फिर कैसे करेंगे वो काम, कैसे करेंगे, ठीक है। हम आते हैं। अच्छा, अब ये कुछ और 3 पॉइंट्स बता रहे हैं। यूज द 4 की एलिमेंट्स फॉर क्रिएटिंग टेबल्स। एलिमेंट्स पता है सबको, ठीक है, सही है। बोले 4 एलिमेंट्स होते हैं जिससे आप टेबल को क्रिएट करोगे। रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स डेटा यूजिंग टेबल्स, ओके, यानी कि कॉम्प्लेक्स डेटा टेबल से कैसे बनाएंगे। एड कैप्शंस टू टेबल्स, टेबल पे कैप्शंस कैसे देंगे। ओके, हम आते हैं कहाँ पर? अपने कोड पर। और आपको अगर थोड़े बहुत शशके दिखें तो वो बाद में आपके पास भी आ जाएंगे। मेरे पास मेरा जो VS कोड है, मैंने बहुत ज्यादा कस्टमाइज किया हुआ है, सही है। आपने ऐसी कोई भी चीज अभी बिल्कुल नहीं करनी, सही है, क्योंकि आपके लर्निंग फेज में हो और बहुत बेसिक फेज में हो, आपने चीजें याद करनी है अभी, सही है। कॉपी पेस्ट वाला कोई मामला आपने अभी नहीं करना है, सही है, ठीक है। हमने अगर टेबल बनाना हो तो उसके लिए हमारे पास जो एलिमेंट यूज होता है, विच इज टेबल। आग नजर आ रही है, सही है। टेबल का ओपनिंग टैग मैंने बना लिया और क्लोजिंग टैग मैंने बना लिया, ठीक है। जब आपके पास टेबल का ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग बन गया, दैट मीन्स आपने टेबल के लिए एक एलिमेंट यूज किया है जो क्या करेगा, टेबल क्रिएट करेगा, ठीक है। जब आपने टेबल को क्रिएट कर दिया है तो आपने सबसे पहले देखना है कि रॉ कितनी बनानी है, सही है। सबसे पहले हम एक रॉ बनाते हैं। एक रॉ बनाने के लिए हमारे पास जो टेबल के पास एलिमेंट होता है, विच इज टी आर, सही है, टी आर, सही है, टी आर स्टैंड फॉर टेबल रॉ, ठीक है, ओके। उसके बाद हमारे पास आता है टेबल रॉ। रॉ क्या होती है? अभी मैंने बताया था कि जो आपके पास इस तरह का डेटा है, कौन सा वाला, ये वाला, सही है, जो हॉरिजॉन्टल डेटा है, नॉट वर्टिकल, ठीक
है, वो क्या कहलाएगा, रॉ कहलाएगा। ठीक है, तो अब रॉ के अंदर हमें डेटा भी तो रखना पड़ेगा, ऐसा है कि नहीं? ठीक है, मैं आता हूं और मैंने यहां पे लिखा टी डी। ठीक है, टी डी स्टैंड फॉर टेबल डेटा। ठीक है, जो आप अपना टेबल में डेटा शो करवाना चाहते हो, मैंने यहाँ पे लिख दिया वन। ठीक है, वापस आते हैं, टू थ्री, और यहाँ पे लिख दिया टू और यहाँ पे लिख दिया थ्री। सही है, दोबारा देखो जरा, मैंने टीडी बनाया, मैंने तीन टेबल डेटा बनाया, सही है, और वो टेबल डेटा एक टेबल रॉ के अंदर है, सही है, और वो जो टेबल रॉ है वो हमारी टेबल के एलिमेंट के अंदर है। ठीक है, सेव करते हैं और आउटपुट जाकर देखते हैं, रिफ्रेश अगर मैंने किया तो मेरे पास वो 1 2 3 करके दिखा रहा है। सही है, ओके। मैं आप क्या करता हूँ, टेबल डेटा नहीं बनाता, मैं एक और टेबल रॉ बना लूं। टेबल रॉ अगर मैं बना रहा हूं तो मैं टेबल रॉ के बाहर आ गया और एक और मैंने टी आर लगाया और उसके अंदर मैंने लिखा टी डी मल्टीप्लाई थ्री टैब 1 2 3 4 5 सिक्स, सेव किया, वापस आते हैं, ये मेरे पास रॉ नंबर टू विच इज 4 5 6। जब आपने कोई भी रॉ जनरेट करवानी हो टेबल की, कोई भी रॉ बनानी हो, उसके लिए जो एलिमेंट यूज होगा विच इज टी आर स्टैंड फॉर टेबल रॉ, और टेबल रॉ के अंदर जो भी आपने डेटा लिखना हो, बनाना हो, जनरेट करवाना हो, उसके लिए जो एलिमेंट यूज होता है विच इज टी डी स्टैंड फॉर टेबल डेटा। ठीक है, एक और रॉ बनाते हैं हम, यहां से इस पूरी रॉ को हम कॉपी कर लेते हैं और मैंने यहां पर बना दिया 4 5 6 7 8 9। ठीक है, सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश, ये हमारा एक बहुत मामूली सा बेसिक सा टेबल उसने बना के दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है, 1 4 7, ये वन वाली लाइन हो गई, सही है, ये हमारे पास 4 5 6 लाइन नंबर टू, सही है, 7 8 9 3, ये हमारे पास तीन रॉज हो गई, और ये हमारे पास 1 4 7, ये क्या कहलाएगी, एक कॉलम कहलाएगा। ठीक है, जो आपके पास वर्टिकल लाइंस होती हैं वो कॉलम्स कहलाती हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं वो रॉस कहलाती है। जितने भी आपने टेबल, अगर आपने कभी टेबल को जनरेट करवाना हो, क्रिएट करना हो, तो कौन सा एलिमेंट यूज करोगे टेबल का, टेबल के अंदर रॉ कैसे बनेगी, टी आर से डेटा कैसे एंटर होगा, टी डी से। ठीक है, वापस आप क्या कह रहे हैं भाई, बोला है टेबल एलिमेंट क्रिएट करो तो फिर टेबल का एलिमेंट लगाओ, ऐसा ही है, सही है, टेबल रॉ बनाने के लिए टी आर का एलिमेंट यूज करो, ऐसा ही है, सही है, टेबल डेटा के लिए टी डी यूज करो, हमने इस तरह का कुछ बना लिया, क्लियर है सबको, ओके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब वो कुछ हेडिंग करके बता रहा है और उसने कुछ इस तरह का टेबल बना के दिया है कि भाई ये देखो, ये एक टेबल उसने बनाकर दिया है, ये किस तरह रेंडर हो रहा है। ठीक है, पहले ये बताओ टेबल किस किस को नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है, सही है, अब इसको ना, ये जो टेबल है इसको बनाने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह बनाया है। ठीक है, प्लस और मैं यहाँ पर आ गया, ठीक है, मुझे एक ये वाला टेबल बनाना है, क्या क्या आ रहा है इसमें, संडे और टिकट टोटल 120 डॉलर, 600 675, एक इस तरह का टेबल बनाना है, ये किस तरह बनाएंगे। ठीक है, देखो मैं इस वाले टेबल को बंद कर देता हूँ और यहाँ पर मैंने एक एच आर लगा दिया, एच आर क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करके दे देगा, सेव करते हैं और वापस जाकर देख लेते हैं, ऐसे ही कर रहा है, सही है, ऐसे ही कर रहा है वो। ठीक है, मेरी स्क्रीन दिख रही है, ओके, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने क्या किया, एक टेबल का एलिमेंट बना दिया, तो ये किस लिए बनाया है, टेबल टेबल जनरेट कराने के लिए। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि ये जो सैटरडे और संडे है और ये टिकट सोल्ड, ये जो टिकट सोल्ड आ रहा है और टोटल सेल्स आ रहा है, ठीक है, ये हमारे पास बोल्ड आ रहे, नहीं आ रहा, बोल्ड के लिए क्या करेंगे, बी का एलिमेंट, सही है, आपके पास अगर आपको पता है कि क्या यूज करना है वो गुड है, लेकिन कभी कोई चीज अगर आप यूज कर रहे हो और उसका
यूज करने के लिए उसमें कुछ और टूल्स अवेलेबल हो तो वो आपको ले आपके लिए वो जरूरी है कि आप वो यूज करो। क्या मतलब, यानी कि इसमें हेडिंग को या बोल्ड करने के लिए कोई और टूल अवेलेबल है या नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है, हम उनकी तरफ आते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अपने पास से अगर कोई जवाब देना चाह रहा है कि ये टेबल बनेगा कैसे, हमारे पास कितने रॉज हैं? तीन रॉज हैं, सबसे पहले तीन रॉ बना ले। ओके, मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा टी आर मल्टीप्लाई थ्री, ठीक है, तीन रॉज हो गए मेरे पास, तीनों में स्पेस दे देते हैं, एक और दो, ठीक है। ओके, पहले के अंदर मेरे पास कितने टीडी हैं? दो वाले हाथ उठा लें, दो वाले हाथ, बाकी और जो कंफ्यूज हैं वो हाथ उठा लें, यानी कि बाकी तीन वाले हैं, बाकी तीन वाले, ठीक है, वापस आते हैं। मैं आता हूं, मैंने यहां पर बना दिया। अच्छा, आपके पास टेबल डेटा, टेबल का जो डेटा है रेंडर कराने के लिए, उसके पास एलिमेंट होता है आपके लिए, उसके पास यूज होता है टीडी, सही है। लेकिन कभी आपने टेबल के अंदर हेडिंग टाइप का डेटा अगर रेंडर करवाना हो तो उसके लिए आपके पास है टी एच, स्टैंड फॉर टेबल हेडिंग। मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर दो बना लिए, टी एच और ओपनिंग क्लोजिंग, सही है। और यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, एक में सैटरडे, SATURDAY, और एक और टी एच बना लेता हूँ, कॉपी करा, कंट्रोल वी, सैटरडे संडे, ठीक है, मेरी पहली रॉ कंप्लीट हो गई, सही है। ओके, अब मैं आता हूँ रॉ नंबर टू में, ठीक है, रॉ नंबर टू में मेरे पास एक हेडिंग है और दूसरी जो है नॉर्मल टेक्स्ट है, इसको कैसे लिखेंगे? गुड, एक टी एच होगा, दो दो टी डी होंगे, ठीक है। मैंने क्या किया, सबसे पहले एक टी एच लगा लिया और उसके बाद क्या किया, टी डी मल्टीप्लाई टू टैब, ठीक है, टी एच में क्या लिखूंगा, टिकट सोल्ड, TICKET, टिकट सोल्ड, सही है। और टी डी में मैंने क्या लिखा, 120 और 120 और 135, सही है। रॉ नंबर थ्री क्या लिखूंगा, टोटल सेल्स किस में आएगा, टी एच टोटल सेल्स और 675 डॉलर, ठीक है, टी डी मल्टीप्लाई टू डॉलर 600 और 675, ठीक है। ऑल शिफ्ट टैब सेव करते हैं और वापस जाकर देखते हैं, मेक श्योर करते हुए कि हमारे पास जो पहली रॉ है उसके अंदर हमने दो टी एच यूज किए, ठीक है, सेव करते हैं और वापस जाते हैं, ठीक है। मेरे पास वो कुछ इस तरीके से डेटा दिखा रहा है, जो कि मैंने बोला यार ये जो मेरे पास संडे को जो टिकट सोल्ड हुए हैं और जो टोटल सेल्स हुई है वो 135 और 675 है, आप सैटरडे वाला डेटा संडे में दिखा रहे हो और सैटरडे सैटरडे में तो आप कोई डेटा ही नहीं दिखा रहे, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक यूज करनी पड़ेगी, आप यहाँ पर एक और टी एच बनाओ स्टार्ट में और उसको एम्प्टी रहने दो, ठीक है। मैंने पहले वाली रॉ में एक टी एच बनाया, उसको मैंने एम्प्टी रहने दिया, सेव करते हैं। और अब अगर मैं वापस जाता हूँ, अब मेरे पास बिल्कुल वही आउटपुट आ रहा है, पहले वाली जो हेडिंग थी उनको मैंने कुछ नहीं लिखे दिया और जो दूसरी हेडिंग थी सैटरडे उसकी कॉलम में मेरे पास आ रहा है 120 और 600, जो तीसरी कॉलम है मेरे पास उसके पास आ रहा है 135 और 675। अब अगर रॉ की बात करें, रॉ नंबर टू विच इज टिकट सोल्ड, रॉ नंबर थ्री विच इज टोटल सेल। इस टेबल में अगर किसी का कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो पहले वो पूछ सकता है। जी हैवे हेडिंग की जगह, मतलब जैसे बी वगैरह,
कैप्शन दे दो आप, मसला नहीं है। आप हेडिंग, अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि भाई ये जो मैंने एम्प्टी स्पेस छोड़ा है, अगर यहाँ पे तुम कोई हेडिंग देना, जैसे कि कैप्शन दे दिया तुमने, ऐसे कुछ हेडिंग देना चाह रहे हो अपने पास से, देना चाहो दे दो, कोई मसला नहीं है। लेकिन समटाइम्स टेबल्स में आपके पास कुछ ऐसे स्पेसेस होते हैं जहाँ पे डेटा नहीं रेंडर करवाना होता और आपका टेबल खराब भी ना हो, तो कुछ आपको TH या TD इस तरह यूज करने पड़ते हैं कि वो यूज हो रहे होंगे लेकिन उनके अंदर डेटा नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? आगे आते हैं, ये क्लियर है सबको? पैनिक कॉलम्स मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, ओके। इसको जरा देखो, ठीक है, ये वाला टेबल बड़े बड़े मजे का इन्होंने एक टेबल बनाकर दिया है। ये वाला टेबल किस तरह बनाएंगे? ठीक है, कोई बताना चाहे तो, ओके। और फर्स्ट रो में 4 TH आएंगे। अच्छा, और वो उसे कैसे टैकल करेंगे जो 3 वाले होंगे? सही है, गुड, जवाब दिया एटलीस्ट। और बाकी कोई? जी, समझ आ रहा है? सही है, ओके। आओ इस वाले टेबल को जनरेट करते हैं। ठीक है, कितने रॉज हैं? 2 वाले कौन कौन है? 3 है, ओके। यहाँ पे भी एक HR लगा लेते हैं और इस टेबल को यहाँ से क्लोज कर दे। ठीक है, क्या बनाएंगे? टेबल, टेबल बना दिया मैंने, सही है। TR मल्टीप्लाई 3, टैब ऑल्ट शिफ्ट टैब, 3 TR हो गई, सही है। हाँ भाई, कितने TH बनेंगे? 4 वाले कौन कौन है? 4 बनेंगे। जब एक नहीं आ रहा स्पेस तो हम एम्प्टी छोड़ेंगे ना उसको, 5 हो गए, सही है। TH मल्टीप्लाई 5 टैब ऑल्ट शिफ्ट, पहले को एम्प्टी छोड़ देते हैं, दूसरे में हमने लिख दिया 9 AM और 10 11 12, 10 AM 11 AM और 12 AM, ठीक है, क्लियर है? वापस आते हैं किसमें? रॉ नंबर 2 में, ठीक है। वन टू थ्री फोर, इन्होंने बोला है कि मंडे वाले दिन 9 बजे से 10 बजे तक ज्योग्राफी का टॉपिक चलेगा, यानी कि जो क्लास है ज्योग्राफी की वो 9 बजे से 10 बजे तक चलेगी, 11 बजे मैथ है, 12 बजे आर्ट है। तो कितने बनेंगे रॉ नंबर 2 में? आपके पास TH और TD कितने बनेंगे? एक एक TH और 4 TD वाले हाथ उठा लें, और बाकी क्या कह रहे हैं? नहीं, बताना नहीं है, सिर्फ बताना है, ये बताना है कि एक TH और 4 TD वाले कौन है और 3 TD वाले कौन है। सही है, ठीक है, मैं आता हूँ रॉ नंबर 2 में। सबसे पहले तो मैंने TH बना ले, क्यों? क्योंकि वो जरूरी है, उसमें हमारे पास हेडिंग आई क्या? मंडे, MONDAY, ठीक है। और उसके बाद जब आपने ये देखा कि देख रहे हो ये बीच में स्पेस दे रहे हैं वाइट कर करके, अगर स्पेस नहीं दे रहे ना तो डेट मीन्स दिस विल बी कंसिडर एज अ 1 TD, ठीक है। तो 1 2 और 3 TD में बना रहा हूँ 3, ठीक है। लेकिन टैकल कैसे करेंगे? ऊपर तो 4 है, TD मल्टीप्लाई 3
टैब, सही है। सबसे पहले अंदर का डेटा लिख लेते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिख लिया जियोग्राफी, सही है। और उसके बाद मेरे पास आता है मैथ, और उसके बाद आता है आर्ट, ART, ठीक है। अब अगर ये देखो, ये एक MTTH हो गया, सही है। उसके बजाय क्या चला गया, मंडे, सही है। अब लास्ट से आते हैं, 12 AM, सही है। 8 हो गया, सही है। 11 AM मैथ हो गया, सही है। अब आते हैं 10 AM और 9 AM, 2 TH, विच इज 1 जियोग्राफी। जब आपको आपके रॉ में से जो आपका टेबल का डेटा है उसको स्पैन करना हो, स्पैन मतलब एक डेटा को दूसरे डेटा वाली जगह के साथ मर्ज करना हो, सही है। ये एक डेटा की जगह थी, अब वो पहले वाले के साथ मर्ज हो रही है, तो उसके लिए आपके पास एक एट्रीब्यूट यूज होता है। एट्रीब्यूट क्या होता है, सबको पता है, ठीक है। एक एट्रीब्यूट यूज होता है विच इज कॉल स्पान, ठीक है। और कॉल स्पान में आप वो वैल्यू बताते हो कि मुझे कितना डेटा मर्ज करना है। ये आपके पास ज्योग्राफी का 1 TD हो गया और 10 AM वाला दूसरा TD, तो मैंने यहां पर बता दिया 2, ठीक है। अब अगर हम सेव करते हैं और वापस जाकर देखते हैं आउटपुट पे, हम थोड़ा सा रिफ्रेश करा, मेरे पास एम्प्टी स्पेस 9, 10, 11, 12, मंडे 9 AM और 10 AM को ज्योग्राफी ने कंट्रोल कर लिया, 11 AM मैथ, 12 AM आर्ट। ये आपके पास जो कॉल स्पैन का एट्रीब्यूट यूज हुआ है, ये यूज होता है जब आपने 1 TD वाले सेक्शन को दूसरी TD वाले सेक्शन पे हॉरिजॉन्टल पे स्पैन करना हो, स्पैन मतलब उसके साथ मर्ज करना हो, तब आप यूज करते हो कॉल स्पैन का एट्रीब्यूट, विच इज दिस। और उसमें आपने वो वैल्यू बतानी होती है कि कितने बॉक्सेस मर्ज करने हैं। अब आपसे सवाल है, अब आप मुझे तीसरे वाले का बताओ जी, कितने TD और कितने TH, 1 TH, 2 TD। यहां थोड़ा सा उल्टा है, जो उसमें यूज होना चाहिए था वो इधर यूज हो रहा है, और उधर जो यूज होना चाहिए था वो उसके पास यूज हो रहा है। अभी हम देखेंगे, मैं आता हूं, टीएच कितना, एक ही है, यहाँ क्या आएगा, ट्यूजडे, और कितने टीडी है, टीडी मल्टीप्लाई 2, सही है। क्या है हमारे पास, क्या बोल रहा है, जिम और होम, सही है, सही है। और होम में तो हमारे पास 12 बजे है, 9 AM जिम, 10 AM जिम, 11 AM जिम, कितने सेक्शन हो गए, 3। मैं जिम में कॉल स्पैन अगर यूज करूं तो क्या वैल्यू दूंगा, 3। सेव किया, वापस आते हैं जी, ठीक हो गया, ठीक है। आपके पास जब आप आगे पढ़ोगे तो इसमें आप बॉर्डर को कंट्रोल करना सीखोगे कि टेबल के अंदर अगर हम बॉर्डर दें तो हम किस तरह देते हैं, लेकिन इसमें इसके पास एक एट्रीब्यूट यूज होता था जो अभी डेप्रिशिएटेड नहीं है। हम यूज करके देखते हैं कि क्या वो वर्क कर रहा है या नहीं। टेबल के अंदर आया मैं और यहाँ पर मैंने लिख दिया बॉर्डर, BORDER। आप देख सकते हो कि कोल स्पॉन का जो एट्रीब्यूट है वो व्हाइट कलर का आ रहा है लेकिन बॉर्डर रेड कलर का आ रहा है। ये खत्म होने वाला है लेकिन खत्म हुआ नहीं, सही है। बॉर्डर की वैल्यू मैं दे देता हूँ 1, ठीक है। लेकिन टेबल कहाँ, ये बॉर्डर का एट्रीब्यूट कहाँ देंगे, ऑलवेज टेबल के अंदर। सेव किया इसको, मैंने वापस आता हूँ और मैं रिफ्रेश करता हूँ, उसने मुझे एक बड़ा बेहतरीन सा बॉर्डर बना के दे दिया, जिससे एटलीस्ट मुझे ये स्पेसिफाई हो रहा है कि जो मेरा कॉल स्पैन यूज हुआ है उसने जो एरिया टारगेट किया है वो किस तरह किया है, ठीक है। जब आपने हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल रूल में, यानी के TR के अंदर, जब आपने कोई अपने सेक्शंस को स्पान करना हो, एक दूसरे के साथ मर्ज करना हो, तो आप यूज करते हो कॉल स्पैन, ठीक है। ओके, आगे आते हैं, ये वाला टेबल क्लियर है।
सबको क्लियर है, स्पैनिंग रॉस नाउ। ठीक है, अब हमारे पास थोड़ा सा इस तरह का आ रहा है, ये वाला किस तरह यूज करेंगे। ठीक है, जितने रॉस हैं, 3 रॉस है, आते हैं फटाफट। टेबल, टी आर मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 3 रॉज मैंने बना दी, और कितने मेरे पास, कितने मेरे पास टी एच है, 4। 4 वाले कौन कौन है, 3 वाले कौन कौन है। सही है, 1 2 3 4। टी एच मल्टीप्लाई 4, पहला एम्प्टी नॉट 3 मल्टीप्लाई 4, पहला एम्प्टी छोड़ेंगे, ए बी सी, बी बी सी और सी एन ए। ठीक है, अच्छा अब आता हूं मैं रॉ नंबर 2। ठीक है, अब इधर देखो, जो ए बी सी वाला चैनल है उसमें 6 बजे से 7 बजे तक, सही है, एक मूवी चलेगी, और 7 बजे से 8 बजे तक भी एक मूवी चलेगी। ठीक है, और बीबीसी में 6 बजे से 7 बजे तक कॉमेडी चलेगा, 7 बजे से 8 बजे तक एक स्पोर्ट्स चलेगा। ठीक है, सीएनएन में 6 से 7 न्यूज है, 7 से 8 करंट अफेयर है। तो यहाँ पर हमारे पास जो रॉ नंबर 2 है उसमें हमारे पास टी एच और टी डी कितने हुए, 3 टी डी, 1 TH 3 TD वाले कौन कौन है, और बाकी क्या कह रहे हैं, 1 TH 2 TD। ओके, वापस आते हैं, 1 TH 1 2 3 और 3 TD, कैसे अभी देखते हैं। टी एच इसमें क्या आएगा, 6 PM-7 PM, 6 PM-7 PM, यहां से स्पेस खत्म कर देते हैं, और उसके बाद 1 2 3, मैंने 3 TD बनाए। ठीक है, TD मल्टीप्लाई 3। ठीक है, ओके, सबसे पहले अंदर का डेटा लिख लेते हैं। नंबर 1 इज मूवी, MOVIE। नंबर 2 इज कॉमेडी, COMEDY। नंबर 3 इज न्यूज, NEWS। ठीक है, ओके, और अब मैं आता हूं नीचे। सही है, नीचे आया मैं, और यहां कितने टीएच बनेंगे, 1 TH, उसमें क्या आएगा, 7 PM-8 PM, 7 PM-8 PM। ठीक है, और अब मैं इसमें लगा रहा हूं 2 TD, फोर्थ और करंट अफेयर, क्यों अभी देखते हैं। TD मल्टीप्लाई 2, सही है, नंबर 1 फोर्थ SPORT, और नंबर 2 करंट अफेयर CURRENT AFFAIR, सही है, करंट अफेयर। ठीक है, अच्छा तो इसमें हमारे पास एक TD मिसिंग है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है, अगर आप देखो तो उसका मतलब है स्पैनिंग रॉज, रॉ को स्पैन करना है। पहले हम कॉलम को स्पैन कर रहे थे, अब हम रॉज को स्पैन कर रहे हैं, मतलब हमारे पास जो रॉज चल रही है, सही है, अब हम उसमें से टारगेट कर रहे हैं। जब आपने कोई ऐसा कॉलम जो एक ही ऊपर हो वही नीचे भी आए, तो आपने उस सेक्शन में, लाइक हमारे पास मूवी है, वहां के लिए आपने यूज करना है रॉ स्पैन। ठीक है, और जितने नीचे वाली रॉस को जितनी आपने टारगेट करना है आपने उनको बताना है। मैंने लिख दिया 2, सही है, 2 लिख दिया, और मैं टेबल में आके border 1 का एट्रीब्यूट दे देता हूँ, border 1 सेव किया, और वापस आते हैं। रिफ्रेश करा, मेरे पास कुछ इस तरीके से आउटपुट आ रहा है, जरा इसको देखते हैं। ठीक है,
एक 4 TH आ गए हमारे पास, 1 TH और 3 TD। जो हमारे पास टीडी नंबर रॉ में जो दूसरा पहला टीडी था, विच इज मूवी, सही है, उस पे मैंने बता दिया रॉ स्पैन 2, यानी कि जो दूसरी रॉ होगी ना इसके, उसमें ये 2 की जगह लेगा, एक पहली वाली हो गई और एक दूसरी वाली हो गई, ठीक है। तो जो दूसरी वाली की जब आपने इसको जगह दे दी है, तो उसमें उस वाले टीडी को ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रॉ स्पैन, ठीक है। होल स्पैन और रॉ स्पैन के अंदर जो वैल्यूज आ रही होती हैं, इनको आपने बहुत अच्छे से देखना है और बहुत अच्छे से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। किस किस को कोई चीज अगर मसला कर रही है और वो पूछना चाह रहा है, तो वो पूछ ले। समझ आ रहा है? क्लियर है सबको? पीछे वाले बॉयज आगे बढ़े। ओके अब हमें वो बता रहा है कि लॉन्ग टेबल्स अगर आपने यूज करने हो तो वो हम किस तरह करें। देखो, वैसे तो जितने भी आपने टेबल अभी तक बनाए हैं, टेबल उसी तरह यूज होगा, लेकिन वैसे जब आप बहुत बड़े बड़े टेबल बनाओगे जिसमें 100 200 तक का डेटा होगा, उसमें वो बताता है कि भाई मुझे बताओ कि अगर मैं कुछ इस तरीके का टेबल बना रहा हूं, तो मुझे बताओ हेडर वाला डेटा क्या है और बॉडी वाला डेटा क्या है, विच इज ये, और फूटर वाला डेटा क्या है, ठीक है। उसके लिए आप क्या यूज करते हो? उसके लिए आप ये यूज करते हो, सबसे पहले मैंने जल्दी से टेबल बनाया, इसके अंदर मेरे पास हो गया टी हेड। टी हेड स्टैंड फॉर टेबल हेड। इसके अंदर आप क्या करोगे, वही एक रॉ बनाओगे और क्या करोगे, डेट, इनकम और एक्सपेंडिचर, ठीक है, लगा दोगे 3 TH, एक रॉ के साथ 3 TH। बॉडी के लिए आप क्या यूज करोगे, टी बॉडी स्टैंड फॉर टेबल बॉडी। इसके अंदर आपकी मल्टीपल रॉज बनेगी, लाइक दिस दिस दिस। और उसके बाद आप फुटर के लिए क्या यूज करोगे, आपके पास आता है टी फुट, ठीक है। ये आपके पास 3 एलिमेंट होते हैं। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि वो आपको ऑप्शन देता है, आपको वार्निंग देता है कि आपका टेबल का डेटा बड़ा है, मुझे बताओ कि टेबल हेड क्या है, टेबल बॉडी क्या है, टेबल फुट क्या है, अदरवाइज और कोई मसले वाली बात नहीं, सिर्फ उसको बताओ, सही है। होगा बिल्कुल वैसे ही जैसे कि यहाँ पे मैंने एक TR बना दिया, उसके अंदर TH मल्टीप्लाई 3 बना दिया, होगा बिल्कुल ऐसे ही काम। जो आपका टेबल बॉडी होगा, टेबल फुट होगा, काम उसके अंदर भी बिल्कुल वैसे ही होगा, सही है। मैं आता हूँ यहाँ पे, डेट इनकम और एक्सपेंडिचर लिख देता हूँ, डेट इनकम और एक्सपेंड,